हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में आपका सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2022 के सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का मेडिकल लिस्ट अपडेट हो गया है और सीआईएसएफ का टोटल पोस्ट 1025 था। देश भर का जोन वाइज वैकेंसीज है कि कुछ स्टेट को मिलाकर एक जोन बनाया गया है। अब उस जोन में यदि रिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी खाली रह जाती है या एक जोन की वैकेंसी खाली रह जाती है तो यानी टोटल जो वैकेंसीज है उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ले पाए या अप्लाई नहीं किया, जो भी रीजन रहा है, मेडिकल 1003 कैंडिडेट का लिस्ट आया। यानी 22 तो यहां पर कैंडिडेट फिल ही नहीं हो रही है पोस्ट। दूसरी बात कि ये 1003 जो है ये सारे मेडिकल फिट मान रही है सीआईएसएफ। इनमें से कोई एबसेंट भी रह सकता है, कोई इसमें बीएसएफ में ज्वाइन कर गया, या बीएसएफ में नहीं कोई इसमें ऐसा है कि जो दिल्ली पुलिस में ड्राइवर पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो गया है। तो उस स्थिति में सीआईएसएफ की तरफ से रिजर्व लिस्ट मेडिकल के लिए एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स को क्यों नहीं बुलाया जाता, क्या मैं आरटीआई लगाऊं, बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो आरटीआई से तो देखिए इसका कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा। आरटीआई का रिप्लाई या तो आरटीआई में जो छूट दिया गया है फोर्सेस को उसका हवाला देके आपके पास जवाब आ जाएगा, या ये जवाब आ जाएगा कि सीआईएसएफ का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो ऐसा प्रावधान क्यों नहीं है कि जब दूसरी फोर्सेस में ऐसा प्रावधान है तो सीआईएसएफ भी उसी सेंटर की फोर्स है, उसी देश की फोर्स है, जिसमें जहां बीएसएफ 3 गुना कैंडिडेट्स का मेडिकल करती है। और ये तो मतलब कि सर्वविदित बात है कि 1025 या 1003 को जो बुलाया जा रहा है तो 1003 में से चलिए हम ज्यादा नहीं मानते कि एब्सेंट तो कोई नहीं रहेगा, सारे 1003 के 3 आ जाएंगे, लेकिन 1003 में 5 कैंडिडेट भी यदि अनफिट हो गए, हालांकि इसमें 1003 जहां है वहां लगभग एक जो एवरेज देखा जाता है दूसरी फोर्सेज का मेडिकल का या खुद का सीआईएसएफ का भी, और उसके बाद ज्वाइनिंग, हम ज्वाइनिंग पर नहीं जा रहे अभी, क्योंकि ज्वाइनिंग जब होगी उसके बाद आपको डेटा नहीं मिल पाएगा, वो डेटा मेंशन करना होता है उसमें यदि हम उसको चैलेंज करें। इसमें 800 के आसपास ही पूरा होगा, यानी कि 200 तो फिर खाली रह गया, ये तो एक अनुमान बताया है। लेकिन हम तो ये मानते हैं कि चलो ये ऊपर वाले 3 जो है राजस्थान के 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि दिल्ली पुलिस में ड्राइवर सेलेक्ट हो गए हैं, वो नहीं जाएंगे मेडिकल देने। अब दूसरी फोर्सेस में तो क्या होता है कि या सीपीओ एसआई का मेडिकल होता है, अपील करते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स भी वीडियो बनाते हैं, हमें भी मैसेज करते हैं कि एक वीडियो बनाइए कि आप ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए हैं तो इसमें मेडिकल देने के लिए ना जाएं, तो ये पोस्ट किसी दूसरे को मिल जाए। एसएसबी में सेलेक्ट हो गए थे कैंडिडेट्स, वो बीएसएफ में नहीं गए तो वो ठीक है, बीएसएफ में दूसरे को मिल गया। लेकिन यहां तो ऐसा वीडियो बनाने का भी कोई औचित्य नहीं है यहाँ कि ऐसा वीडियो बनाएंगे कि आप दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट हो गए हैं, यहाँ आप एब्सेंट रह जाएं, एब्सेंट रहें या ना रहें कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि 1003 को ही बुलाया है, 1025 भी पूरे नहीं हुए, या आपको हमने पहले भी वीडियो में बताया था। तो हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स देखिए कि बिल्कुल सेम मार्क्स पे या एक नंबर से बाहर हैं। यहाँ पर देखिए ये यूआर का कट ऑफ 74 गया है और कैंडिडेट को मार्क्स 73, यानी कि एक नंबर नहीं, इनके दो और होते। लेकिन यदि कोई एब्सेंट रहता है और रिजर्व कैंडिडेट्स को भी बुलाया जाता है मेडिकल के लिए तो इनका नंबर आ सकता है। इन्होंने भी फिजिकल किया है, टेस्ट क्वालिफाई किया है, रिटन एग्जाम भी क्वालिफाई किया, यानी कि ऑलरेडी कैंडिडेट अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद भी फोर्स की तरफ से ना जाने क्यों नहीं बुलाया जाता उनको मेडिकल के लिए, जबकि दूसरी फोर्सेस में बुलाया जा रहा है। ये उसके आप प्रूफ दे सकते हैं, एविडेंसेस उसके दे सकते हैं। बीएसएफ में 6 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, 6 गुना को इसलिए बुलाया गया था इस बार ही चेंज हुआ। या बीएसएफ को छोड़ दीजिए, आप एसएससी जीडी की बात हम करें तो उसमें तो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि वैकेंसी का 2 टाइम्स कैंडिडेट्स को मेडिकल के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। 26,000 वैकेंसी है तो 52,000 को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो रहा। और आपको दिखा देते हैं, ये देखिए 81 ओबीसी कैंडिडेट हैं और 80 मार्क्स हैं,
अब इनकी कैटेगरी में, इनके ट्रेड में, इनकी जोन में यदि 2-5 कैंडिडेट एब्सेंट रह जाते हैं या अनफिट हो जाते हैं, अनफिट भी देखिए होगा जब फोर्स की तरफ से एक मेडिकल गाइडलाइन बनाई गई है, तो निश्चित रूप से अनफिट होगा। तो ये इनका भी मौका मिल जाता है, इनको ऐसे बहुत सारे हैं, एक नहीं है। अब उनको क्या कर सकते हैं वो, यहां पर देखिए ये क्वालिफाई हो गए, ये 83-83 यू आर क्वालिफाई हो गए, लेकिन ये 69 से 69 ही कट ऑफ है, साउथ ईस्ट सेक्टर है, 69 कट ऑफ है, 69 ही कैंडिडेट का मार्क्स है और यू आर नॉट शॉर्टलिस्टेड। अब वही बात इनके साथ है कि यदि इनकी कैटेगरी में खुद कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि मैं ऑलरेडी कहीं दूसरी जगह सेलेक्ट हो गया हूं, क्या मैं एक एप्लीकेशन भेज दूं CISF को, क्या उस पर कोई एक्शन होगा, मेरी जगह जो वो पोस्ट है किसी दूसरे को मिल जाएगी। जब उनका रिक्रूटमेंट ब्रांच जो है वही कैंडिडेट्स को नहीं बुला रहा, तो ये रिक्रूटमेंट ब्रांच से जवाब किस आधार पर मांगा जाए? आप और हम RTI लगाएंगे, RTI में कोई रिप्लाई नहीं। स्कोर कार्ड आपके पास है, अब इविडेंसेस इसमें क्या चाहिए? सबसे बड़ा इविडेंस इसमें SSC GD वाला है, कि कांस्टेबल की भर्ती होती है उसी फोर्स की, उसमें तो 2 गुना का मेडिकल हो रहा है, वो फोर्स भी मेडिकल करती है उसमें, और उसी में ट्रेड्समैन की भर्ती होती है। तो ये जो कहते हैं कि सौतेला बर्ताव क्यों किया जा रहा है, वही देश के नौजवान जो है वो ट्रेड्समैन भर्ती होने के लिए आ रहे हैं और वही देश के नौजवान जो है वो सिपाही भर्ती होने के लिए आ रहे हैं। तो सिपाही में तो आप एक रिजर्व पैनल बना के 2 गुना का मेडिकल कर रहे हो, या कुछ फोर्सेस 3 गुना का भी कर रही हैं। CPO SI में भी यही है, CAPF असिस्टेंट कमांडेंट में भी यही है, लेकिन जो सबसे जिसको कहते हैं कि पोस्ट जो सपोर्टिंग स्टाफ है हमारा, कि कुक सुबह 4 बजे उठ के चाय बनाएगा, उसके बाद बाकी फौज उठेगी, या वो सबको खाना खिलाने के बाद में वो सोएगा, तो उसके साथ ये बर्ताव क्यों किया जा रहा है? क्या वो देश का नागरिक नहीं है? उसके ऊपर क्या संविधान के प्रावधान लागू नहीं होते? या एक पर्टिकुलर फोर्स जो है वो उसने अपना नियम कानून बनाया हुआ है, उसको चुनौती नहीं दी जा सकती? बिल्कुल चुनौती दी जा सकती है। अब व्हाट्सएप ग्रुप देखिए आप लोगों का बना दिया है इसके बारे में, जो राधे कृष्ण लीगल एड फाउंडेशन है, अजय गर्ग सर, उनसे बात किया था। अजय गर्ग सर को आप लोग सभी पहचानते हैं, अजय गर्ग सर ने CRPF का जो एज का मैटर था वो उनके पास था, उनसे बात किया। आज मेरी खुद पर्सनली बात हुई है सर से, वो कह रहे हैं कि हम भी इसको डिस्कस कर रहे हैं। ड्राइवर वाले जो कैंडिडेट हैं हमारे, वो ऑलरेडी माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में चैलेंज कर चुके हैं प्रक्रिया को। तो ट्रेड्समैन वाले भी देखिए, घर पे बैठ के आप जीतने की उम्मीद नहीं कर सकते, जंग की शुरुआत आपको करनी होगी। किसी भी जंग को जीतने का पहला उसूल है जंग की शुरुआत का। और मेडिकल के तो आपने बहुत सारे केसेस हमारे देखे होंगे कि हमारे पास कैंडिडेट आया, हमारे हिसाब से फिट है, अनफिट हो गया, हमने कहा चैलेंज करो इसको, चैलेंज किया और फिट हो गए, यूनिफॉर्म पहने हुए हैं। 2018 की भर्ती के बाद 1000+ होंगे ऐसे कैंडिडेट्स जो रिट पिटिशंस दाखिल करके और जीत कर वर्दी पहने हुए। उसमें से कुछ तो ऐसे भी हैं जो यहाँ सिविल जॉब में सेलेक्ट हो गए, वहां से वापस छोड़ गए, वो उनका अपना पर्सनल डिसीजन है, लेकिन फाइट किया तो जीत हासिल हुई। अब बिना फाइट किए जीत की उम्मीद करना तो बेमानी है। देखिए इस जंग में हम पूरी तरीके से आपके साथ हैं। ड्राइवर वाले हमारे जो भाई हैं उनके साथ भी पूरी तरीके से हैं, उनका ग्रुप बना था, उसमें उन लोगों ने अपना कोऑर्डिनेट किया और कोऑर्डिनेट करके उन लोगों ने अपना फाइट शुरू कर दिया है। तो आप लोग भी ग्रुप का लिंक दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, आप जुड़ जाइए और देखिए जो सीरियस हो वही जुड़े, अनावश्यक जो है वो, क्योंकि इसमें इधर उधर की अनावश्यक बातें, राम राम वाले मैसेजेस जो है वो नहीं भेजना। ये ग्रुप सिर्फ और सिर्फ आप कैंडिडेट्स की सहूलियत के लिए, कैंडिडेट्स नहीं बनाया था, इसमें हमें भी जोड़ लिया और हमें जोड़ने के बाद रिक्वेस्ट किया था कि एक वीडियो बना दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स के पास ये पहुँच सके और वो जुड़ सकें, एक ग्रुप बन सके। ज़्यादा तादाद में आप लोग पहुँचेंगे तो आपकी बात पर गौर किया जाएगा। अब अकेला कैंडिडेट देखिए इसको फाइट नहीं कर सकता। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और फाइट करना है, न्याय की लड़ाई जो है उसको आप फाइट करके ही आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको जीत मिलेगी। घर पे बैठ के हम उम्मीद नहीं कर सकते। जय हिंद।